बारे में बता सकती हूँ वहाँ पे क्या होगा, लेकिन मुझे ये है कि मेरी वहाँ की जितनी भी महिला मंडल है, क्योंकि उस दिन मेरी महिलाएं वहाँ पर हैं, अगर मेरी महिलाएं वहाँ पर तो जितने लड़के थे, मैं कहती हूँ गारंटी से आज भी मैं यहाँ पर हूँ, मेरी वो महिला को पाठ लगा दी, लेकिन वो महिलाएं किसी काम से बाहर गई हुई थी, इस कारण से जो लोग तमाशा देख रहे हैं तो उनसे क्या कहेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए कि जो लोग तमाशा देख रहे थे कि जो अपने ही इस तरीके से वो उन्होंने फिल्म समझ ली थी कि खेल हो रहा है, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि आज मेरे साथ ही कल किसी और के साथ होगा, अगर वो आज मजबूत नहीं होंगे तो कल वो मजबूर ही रहेंगे और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। तो स्वाति माजवाल जी भी साथ में हैं, आप इनको लेके जा रही हैं आज नरेला, उनको आज आप सो देंगे, लेकिन आगे का क्या? आगे का ये है कि दिल्ली महिला आयोग लड़ने वाला है, उन्होंने सिर्फ प्रवीण की धमकी नहीं दी है, उन्होंने मुझे भी धमकी दी है कि जो प्रवीण जिसके लड़ा है वही मेरे साथ लड़के मुझे भी लगता है कि मेरे साथ लड़ाया जाएगा, तो हम लड़ने वाले हैं। शराब माफिया और अवैध ड्रग्स का जो माफिया दिल्ली में चल रहा है, शराब बंद करवा रहे थे और प्रवीण के साथ आज बंद करवा रहे हैं, पूरा महिला आयोग है और पूरी दिल्ली की महिलाएं और पुरुष हैं और पूरे देश में लोग हैं जो हमारे साथ हैं। आज नरेला ये अकेली नहीं जा रही, आज नरेला इसके साथ एक पूरी गाड़ियों का काफिला चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि वो काफिला कितना लंबा होगा और हजारों की तादाद में महिला नाम लेगा। सिर्फ 6 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, सीसीटीवी जो मोबाइल फुटेज है उसमें पूरी भीड़ दिख रही है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हाँ भाई, मैंने बिल्कुल से कुछ नहीं, लाइट भी सही है, सभी गाड़ी अपने सीक्वेंस से चलेंगी, पार्किंग लाइट हेडलाइट आ रही है।